जी हाँ, इसे जान गए तो टेंस आसान लगने लगेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ए के सिंह, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। आइए हम इस लेक्चर में देखेंगे टेंस, जो कि अंग्रेजी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए जानते हैं टेंस के बारे में। तो देखिएगा, टेंस को पढ़ने से पहले कुछ हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टेंस स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको जानना। चलिए आइए देखते हैं टेंस। टेंस इसका मतलब होता है काल हिंदी में, या समय, काल या समय। तो देखिएगा, इसके पार्ट जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, हमारा तीन पार्ट होता है, ठीक है। पार्ट कितने होते हैं? तीन होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक। आ रही है फ्यूचर, ठीक है। अब देखिएगा, इन सभी के जो है हमारे चार चार भाग होते हैं। तो पहला जो होता है इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट। दूसरा जो होता है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। समझ में आ गई बातें, इतना क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर पहचान की बात करें, देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब दूसरा का जो होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तरीके से कहीं ना कहीं देखिए तो हमारे चार इसमें कितने हो गए, टोटल 12 टेंस हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ इतना क्लियर हुआ। चलिए अब जानते हैं इसका पहचान की बात करें। तो पहले बच्चे ध्यान दीजिएगा, इनके लास्ट में अगर बात करें, प्रेजेंट के लास्ट में है हूँ और हो, ये चीज़ें दिखाई देंगी आपको। और यहाँ पे था, थी और थे, ये चीज़ें दिखाई देंगी। और यहाँ पे जो दिखाई देगा आपको गा, गी और गे, ये दिखेगा, ठीक है। ये सारे चीज़ें इसमें दिखेगी लास्ट में। लेकिन आप जानते हैं इंडेफिनिट का पहचान, कंटिन्यूअस का पहचान, परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसका देखते हैं। तो इसके लास्ट में जो दिखेगा ता, ती, ते, ऐसे ही इसके लास्ट में रहा, रही, रहे। इसके लास्ट में हो जाएगा चुका, चूकी, चूके। अब इसके लास्ट में बात करें तो इसके लास्ट में भी रहेगा वही रहा, रही, रहे, प्लस क्या हो जाएगा समय, ये चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। क्लियर हो पा रही बातें, ये क्लियर हुआ, ठीक है। क्या दिखा आपने, क्या देखा, प्रेजेंट का जो हिंदी पहचान है हूँ हो, ऐसे ही पास्ट के लिए देखा था, थी, थे और फ्यूचर के लिए देखा गा, गी, गे, ठीक है। अब देखिएगा इंडेफिनिट की बात करें तो ता, ती, थे, कंटिन्यूअस के लिए रहा, रही, रहे, परफेक्ट के लिए चुका, चुकी, चुके एंड आफ्टर द एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा, रही, रहे। अब इसको एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और हिंदी में पहचान जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हिंदी पहचान होगा वो जनरली हमें दिखेगा ता है, ती है, ते हैं, या ऐसा कह सकते हैं जिन हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिखे, ता है, ती है और ते है, दिखता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आफ्टर देन बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो जिन हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक ना, जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये लगे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसे ही परफेक्ट की बात करें
तो जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आफ्टर द प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय आ जाए, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब बात करते हैं पास्ट के लिए, तो सेम कंडीशन ऐसे ही है कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आ जाए, ठीक है। और कंटिन्यूअस की अगर बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट की बात करें जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये दिखे, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ क्या आ जाए? समय आ जाए। अगर इंडेफिनिट की बात करें तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आफ्टर देन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ क्या दिखेगा आपको? समय दिखेगा। क्लियर? तो देखिएगा कहीं ना कहीं हम देखें तो अगर नंबरिंग करें तो नंबर वन पे ए आएगा, टू पे ए आएगा, थ्री पे ए आएगा, फोर पे ए आएगा, चार ए हो गए, और फिर अगेन पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह। आपको इस सीरीज को याद रखना है, यानी बारहवें नंबर पे कौन होगा? तो कौन होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक ना, इसको याद रखिए। चूंकि अब इसके बाद आगे हमें क्या करना है, जो भी चीज़ें जाननी है इसी के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं आगे, आगे है, देखिएगा, अब आगे पढ़ने से पहले हमें जानना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, उसको जानेंगे। तो देखिएगा पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। यानी किसी भी काम को, कोई भी काम हो जिसके द्वारा किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। यानी लिख लीजिएगा यहाँ पे, किसी काम को करने वाला हमारा क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है, ठीक। अब क्रिया की बात करते हैं, क्रिया की, ठीक, यानी वर्ब, क्या? वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट को कभी कभी हम एस से ही डिनोट करते हैं और वर्ब को वी से डिनोट करते हैं ना, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब वर्ब की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क किया जाता है, जो वर्क किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक, यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ध्यान दीजिए, जो हमारे वर्ब को और सब्जेक्ट को जो आपस में जोड़ता है, ठीक है, या जो सहायता प्रदान करता है इनको, ठीक है, वो हमारे सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखते हैं ये सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट में आपका जो हो जाएगा, कोई भी नेम आ जाए, ठीक, नेम, जैसे राम, श्याम, या ही, सी, इट, दे, जितने भी हैं, ठीक ना, जिसके द्वारा कोई काम पॉसिबल हो सकता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब देखिए वर्ब की बात करें तो वर्ब में हिंदी में जानेंगे तो कहे रोना, धोना, सोना, खाना पीना, हंसना, खेलना, कूदना, जितने भी हैं ये सारे चीज़ें क्या है? आपके वर्ब है, ठीक है, क्रिया है। यानी लिख सकते हैं ईट, ड्रिंक, वीप, ठीक ना, स्लीप, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं? वर्ब हैं। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो देखिएगा हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, हैव, ठीक ना,
फिर आप लिख सकते हैं डू, डज, ये सारे चीज़ें अभी भी बहुत है, विल, शैल, ठीक ना, ये सारे हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। चलिए अब देखते हैं कि इन्हीं में कौन सी टेंस में कौन सी क्रिया लगती है, बाकी चीज़ों को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी टेंस में वर्ब क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, ठीक ना, ये सारे चीज़ें जानेंगे। फिर उसके बाद जो है एक पॉइंट और रहेगा, फिर उसके बाद हमारा टेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिएगा पहले नंबर पे जो बात करते हैं, ठीक ना, पहले नंबर पे जो बात करते हैं, पहले नंबर पे, वो पहले नंबर पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, ठीक ना। तो इसमें दो चीज़ें होंगी। तो अगर बात करें वर्ब, ठीक ना, वर्ब, तो इसमें जो है मेन फॉर्म लगेगा, मेन फॉर्म, वर्ब का मेन फॉर्म लगेगा पहले वाले में, ठीक ना। और हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी इसमें, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू स्लैश डज, ठीक ना। और दूसरे की बात करें, दूसरे में यानी कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक ना, इसमें लगेगा इज, एम और आर, ये लग जाएगी। तीसरा देखते हैं तो परफेक्ट की है, तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वी थ्री यानी वर्ब थर्ड फॉर्म। इसमें जो आपके हेल्पिंग वर्ब जो लगेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दीजिए, एच बी, हेल्पिंग वर्ब जो लगेंगे इसमें, इसमें लगेगा हैज स्लैश हैव। अब देखिए फोर्थ की बात करें, फोर्थ में बात करें तो फोर्थ में क्या होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें जो होगा आई एन जी फॉर्म लगता है, ठीक, और इसमें हैज हैव प्लस बीन, इन दोनों के साथ क्या लगता है, बीन लगता है, ठीक ना। अब देखिए पांचवा की बात करें, पांचवा में इनडेफिनिट, ठीक ना, पास्ट इनडेफिनिट, तो इसमें ध्यान दीजिएगा हम मेन की बात करते हैं, तो इसमें मेन फॉर्म लगेगा, ठीक ना, अब असर्टिव होगा, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव होगा, तो तब के लिए बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले वो मान के चलिए कि मेन फॉर्म ही लगता है, ठीक। अब इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब डीड लग जाएगा। आप सिक्स की बात करें, सिक्स नंबर पे, तो सिक्स नंबर पे आपके कंटिन्यूअस हैं, तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक, और फिर उसके बाद इसमें वाज वेयर लग जाएगा, सॉरी वाज वेयर, ठीक है। सेवन्थ नंबर पे आपका है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो इसमें जो लगेगा वी थ्री फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, हैड लग जाएगा, ठीक। आइए अब अगला देखते हैं, अगला जो है हमारा एट नंबर पे, ठीक ना, एट नंबर पे यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, तो उसमें जो फॉर्म लगता है आई एन जी फॉर्म लगेगा, ठीक ना, आई एन जी फॉर्म हो गया। अब जो है हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा उसमें यही लग जाएगा, हैड हैड बीन लगेगा, ठीक। नाइन्थ नंबर पे क्या आ गया, फ्यूचर आ गया, तो फ्यूचर में मेन फॉर्म ही लगेगा, फॉर्म, ठीक। अब उसके बाद बात करें तो इसमें विल और शैल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। टेंथ नंबर पे ये क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस, तो आई एन जी फॉर्म, ठीक। अब इन्हीं के साथ यानी यही ऊपर वाला, इसके साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, ठीक, यानी विल बी, शैल बी, ठीक ना, विल बी या शैल बी, ठीक, ये लगेंगे। फिर 11 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा,
फिर उसके बाद बात करते हैं क्या है? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल हैव, विल, विल शैल यहाँ पे आएगा, प्लस में हैव लग जाएगा, ठीक है। यानी कॉल कैसे करेंगे इसको, विल हैव और शैल हैव, ठीक। ऐसे ही आप बात करते हैं ट्वेल्थ नंबर लास्ट है ये, तो लास्ट में जो है आपके आईएनजी फॉर्म लगेगा, फॉर्म, और इसमें सेम होगा विल हैव शैल हैव बीन लग जाएगा, ठीक है। ये सेम आएगा प्लस क्या हो जाएगा, बीन लग जाएगा, ठीक। यानी विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो ये तो रहा हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो अब एक लास्ट स्टेप है कि हमें टेंस पढ़ना कैसे है, उसके फॉर्म कैसे हैं, चलिए उसको देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। और फॉर्म ऑफ टेंस की बात करते हैं, ठीक ना, क्या फॉर्म ऑफ टेंस, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यही है कि हर सीक्वेंस में, हर टेंस में आपको इसी ऑर्डर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा आपका टेंस जो होता है वो मेनली जो होता है दो प्रकार से चलते हैं, जो पढ़ाया जाएगा उसमें जो होगा एक असर्टिव होगा, असर्टिव, और दूसरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव, ठीक, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव। आफ्टर देन अब देखिएगा असर्टिव के आपके दो टाइप्स होते हैं, असर्टिव के भी दो टाइप्स होंगे। पहला जो होगा अफर्मेटिव, 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 एंड आफ्टर द नेगेटिव। अब इसके लिए इंट्रोगेटिव का भी दो टाइप्स होता है, ठीक ना। पहला जो होता है फर्स्ट टाइप, और ये क्या होता है सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। अब देखिएगा ये तो क्लियर हो गया, इसके आगे हमें नहीं देखना होता है, लेकिन इसमें जो होते हैं मतलब हमारे अनुसार जो देखता है, अब बुक में क्या है सिस्टम वो हमें नहीं क्लियर है, ठीक है। हम जो बताएंगे वो हमारे अनुसार है, क्या फर्स्ट टाइप में वो आएगा दो और इसमें भी दो होंगे, ठीक ना। वो क्या होगा देखिएगा, ये अफर्मेटिव, आफ्टर द नेगेटिव, यहाँ पे भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक ना। अब आइए अब इतना ही पढ़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं देखिए 1 2 3 4 5 6 कहीं ना कहीं देखिए एक टेंस में हमें छह प्रकार के टेंस सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक ना। एक टेंस में छह प्रकार के सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे और वो टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक ना। आइए अब जानते हैं, देखिएगा अफर्मेटिव या असर्टिव की बात करें तो जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए, जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए वो हमारा क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। और जिसमें किसी कार्य को होने का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक ना, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हुआ या नहीं हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें जो आएंगी वो इंट्रोगेटिव में आएगी, ठीक ना। अब देखिएगा असर्टिव में देखते हैं कि असर्टिव में आपके दो टाइप्स हुए, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव है। तो जिसमें सियोरिटी के साथ हो कि काम हुआ ही, जैसे हम कहें कि लड़का मैदान में दौड़ता है, लड़का मैदान में दौड़ता है, यानी क्या हुआ, कन्फर्म हो गया कि लड़का क्या कर रहा है, मैदान में दौड़ता है, ठीक है, वो काम हो रहा है उसका, कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि लड़का मैदान में नहीं दौड़ता है, वहाँ क्लियर हो गया कि डिक्लाइन हो गया, लड़का मैदान में नहीं दौड़ा, ठीक। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे आ गया क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इन सभी के लास्ट में क्या होंगे, क्वेश्चन मार्क लगे होंगे, यही पहचान है इस सेंटेंस की। पहचान क्या है कि लास्ट में हिंदी वाक्य हो चाहे अंग्रेजी वाक्य हो, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों के लास्ट में क्या होंगे, क्वेश्चन मार्क लगे होंगे, ठीक। अच्छा जी आइए फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की बात करें, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे सेंटेंस जिसमें स्टार्टिंग में ही क्या लगा हो, क्या राम पढ़ता है, क्या राम खा रहा है,
ठीक है। इस तरीके से आए सेंटेंस तो हमारे क्या होंगे, फर्स्ट टाइप होते हैं। लेकिन जिन सेंटेंस में क्या कब क्यों कैसे सेंटेंस के बीच में आए, जैसे राम क्यों खाता है, तो देखिए इस सेंटेंस में क्यों क्या आ गया, बीच में आ गया, ठीक है। जब सेंटेंस के बीच में आ गया तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, सेकेंड टाइप होगा। अब सेकेंड टाइप में भी अब क्या होगा, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स में हो सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में जैसे हो गया क्या कि क्या राम खाना खा रहा है, क्या राम खाना खा रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव, ठीक है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। लेकिन क्या राम खाना नहीं खा रहा है तो क्या हो गया, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही बात करें इसमें, राम क्यों खाना खा रहा है, राम क्यों खाना खा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। लेकिन वहीं पे हो जाएगा कि राम क्यों खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, सॉरी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। तो कोई भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे इसी फार्मूले में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे टेंस, अब चूंकि हमने पूरा इंट्रो समझ लिया है, जितना भी टेंस के परिचय थे, जितने उसके पार्ट थे, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, कौन से फॉर्म लगेंगे कौन से टेंस में, ठीक है, वो सारे चीज़ें हमने देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या कि डायरेक्ट अब टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।